बोकारो के गोमिया में हनुमान मंदिर से हनुमान की मूर्ति चोरी हो गई है। लुगु पहाड़ के पास ये मंदिर है जहां से असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को उखाड़ कर ले गए। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। डॉग स्क्वाड और टेक्निकल सेल की टीम ने भी जांच की, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। गोमिया बीडीओ ने मंदिर से सटे कुएं में भी छानबीन कराई। इंस्पेक्टर ने कहा कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो बोकारो में असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर से मूर्ति की चोरी की गई है। हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई है, डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जा सके। और सीधा जुड़ेंगे गोमिया से, सहयोगी राजकुमार हमारे साथ मौजूद है। राजकुमार, क्या पता चल पाया है अभी तक जो दोषी हैं उनके बारे में, पुलिस कहां तक छानबीन कर पाई है? देखिए, दिन भर तो गोमिया के आसपास के लगभग 5 थाना का पुलिस और दल और इंस्पेक्टर पूरा परेशान रहे, गोमिया बीडीओ सीओ, लेकिन किसी प्रकार की कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है अभी तक। और जो है सो आसपास के जंगलों में और एक कुआं है, कुआं में पूरा खोजबीन कराया गया लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। लेकिन पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द जो है सो दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी दौरान जो है सो ललपनिया में जितने व्यवसायी हैं, ग्रामीण हैं, उन्होंने एक बड़ी बैठक की है और लगभग 100 की संख्या में लोग जो है सो जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और जो है सो जल्द से जल्द नई मूर्ति का स्थापना का वो लोग घोषणा की। राजकुमार, चोरी कब हुई, क्या जानकारी मिल पाई है? प्रशासन का कहना है कि रात की घटना है, ठीक है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी संभावना जताई गई है प्रशासन की ओर से, लेकिन ऐसा पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि शनिवार और मंगलवार दो ही दिन वहाँ पूजा होती है और उसी दिन पुजारी पहुँचते हैं, ठीक है। अब कब हुआ है ये कह पाना मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका जानकारियों के लिए। तो पुलिस छानबीन में जुटी हुई है कि आखिर कौन है वो असामाजिक तत्व जिसने इस घटना को अंजाम दिया है और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।